आजकल अमेरिका ने और चाइना ने अपने सैटेलाइट मार्स पर भेज दिए मरीन पर। आपको पता है प्रिजर्वेरेंस, अमेरिका का प्रिजर्वेरेंस जो सयारा है, जो रिपोर्ट है, वो मरीन पर चल पे रहा है। मरीन बहुत दूर है यहाँ से चांद के मुकाबले, प्रिजर्वेरेंस उसका नाम है। और प्रिजर्वेरेंस जो है वो एक रिपोर्ट चल पे रहा है, वहां की तस्वीरें ले रहा है, वहां जिंदगी वो देखना चाहते हैं, कोई मखलूक तो नहीं आ पा, कोई बंदर कैमरे में नजर आ जाए। और उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी बनाया हुआ है जो कि हवा में उड़ता है और वो ऊपर से तस्वीरें ले रहा और फिर वो वापस आ जाता है। उस रिपोर्ट का नाम है प्रिजर्वेरेंस। अब वो वहां से तस्वीरें भेज रहा मरीज के। अब तस्वीरें वहां की जो वो भेजेगा तो हम हर लोग बहुत दूर है, तो वो तस्वीरों को छोटे साइज में अगर भेजेगा तो उसको आसानी होगी, कम वक्त में वो हमें पहुंची गया। अब जो इमेजेस हैं वहां का जो साउंड है तूफान का, वहां भी तूफान आती है मरीज पर, ये शवाहिद उन लोगों ने दिए हैं अमेरिका ने। अब दो चीजें हमें वहां से वसूल हो रहा है, कम अज कम वहां की वीडियोस, इमेजेस और साउंड मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी जो है ना, उनकी क्वालिटी को वो अच्छा करके हमें दिखा रहे हैं, बल्कि हमें दिखा रहे हैं, वो अपने लिए उसको साफ कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं, हाई डेफिनेशन। तो एक इमेज को या एक वीडियो को या एक साउंड को, तीन चीजें हैं, वीडियो, इमेज एंड साउंड, उनको साफ करने के लिए जितना आप हायर ऑर्डर डेटा है उस बीच में शामिल करेंगे ना, उतनी उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। ये मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स में पढ़ा हुआ है। जितना अब देखो ये फिल्टर का काम करती है डिफरेंशियल इक्वेशन, किस चीज का काम करती है, फिल्टर्स। आप जब पानी को फिल्टर करते हैं तो जितनी ज्यादा तहें होती है उतने ज्यादा वो रेत वगैरह गंद गुबार नहीं आता और साफ पानी बोतल में चला जाता या किसी कंटेनर में। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस नॉर्मली तो हमारी फिल्टर्स का काम करती है, इमेजेस को साफ करना, वीडियोस को साफ करना, एक इंडिकेशन इसकी ये है, और साउंड को साफ करना। तो ये मैंने रिसर्च आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि जितना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उस फिल्टर में शामिल होगा तो उतने ज्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो सफाई अच्छी तरह कर सकता है। ये एक इंडिकेशन मैंने आपको आज बताया, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो और आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर देते हो तो ये ज्यादा पॉसिबल है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको मिलेगा वो ज्यादा एक्यूरेसी वाला होगा, हो सकता मे बी रिसर्च लोगों ने काम भी किया होगा, मगर मैं मे बी लगा रहा हूं ऑन द सेफ साइड। ये इसके इंडिकेशन है।